नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत अजीत मल बाबरपुर नगर पंचायत में खरीद फरोख्त में पैसों का बंदरपाट हुआ है। जी हां, अरोया नगर पंचायत अजीत मल बाबरपुर में स्वच्छता अभियान के लिए नगर पंचायत ने भारी भरकम करनों का खरीद फरोख्त करवाया, जिसमें ट्रैक्टर लोडर, जेसीबी, ठेला गाड़ी, मोटर गाड़ी, तमाम ऐसी चीजें थी जिनकी खरीद फरोख्त की गई। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि करोड़ रुपए की लागत की मशीनरी आज भी भूसे के ढेर के नीचे छिपा कर रखी गई है, ताकि किसी को पता ना चल सके। मशीनरी उपयोग में ना होने की वजह से वो खराब हो चुकी हैं, जंग खा रही हैं। नगर पंचायत का आलम यह है कि नगर पंचायत के सामने वाली नाले और आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल के आसपास देखा जाए तो गंदगी चारों ओर खुलेआम दिखाई दे रही है। जब अधिकारियों से पूछना चाहा तो सबके मुंह बंद हो गए, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। पहले सुनते हैं कि वहां पर क्या कुछ पूरा माहौल रहा है, क्या कुछ कहना है आसपास के लोगों का, ये सुनते हैं। उसके बाद फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई है। दो गाड़ियां सभी रोड पर होनी चाहिए थी, सफाई साफ सफाई होनी चाहिए थी। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? वर्तमान में तो सफाई की व्यवस्था खराब है, क्योंकि अभी पद नहीं मिला चेयरमैन को, और जो भी ट्रैक्टर जा रहा है उसके ऊपर पॉलीथिन नहीं डाली जाती है, कूड़ा सारा का सारा रोड में गिरता हुआ जाता है। यदि चेयरमैन को शपथ ग्रहण नहीं हुई है तो उसकी जिम्मेदारी ईओ या एसडीएम की होती है, तो आप लोगों ने कोई जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की या नहीं? नहीं, मैंने एक बार शिकायत की है 1076 पर, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। ये तीन गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, तीन बताया गया था, ये गाड़ियां इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए नहीं चलाई जाएंगी। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी गाड़ी रोड पर नहीं जाएगी। किसने कहा था? साहब ने कहा था, चेयरमैन साहब ने कहा था। और भी कुछ पुरानी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जिसको देख रहे हैं कि जो गाड़ियां जो हैं कबाड़ की तरह होती जा रही हैं, तो इसका कोई प्राविधान ऊपर तक नहीं गया क्या? नहीं, ये बाकी जो गाड़ियां ये तो सारी चल रही थी, अभी भी चलती हैं। अभी कोई टायर फट गया, जैसे चेयरमैन साहब चले गए वो, उसके बाद ईओ साहब पे चार्ज आ गया, तो चलता है, पंचर हो जाती, जुड़ जाती हैं, कभी टायर फट गया, उसकी रिपोर्ट ली गई, दी जा। तो तस्वीरें आपने देखी है, मशीनरी यहाँ पर लगी गई है, साथ ही साथ ट्रैक्टर है, तमाम ऐसी गाड़ियाँ हैं जो नगर निगम में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन ये भूसे के ढेर के नीचे छुपा कर रखी हुई हैं, जिसकी वजह से पूरी तरह से जंग खा चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाई जाती हैं पैसों की, क्योंकि बंदरबाट यहाँ की गई है, इस तरह के आरोप यहाँ पर लगते हैं। तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान स्वच्छता मिशन के तहत अजीतमल बाबरपुर नगर पंचायत की तस्वीरें, जहां पर खरीद फरोख्त में पैसों का बंदरबांट बखूबी हुआ है। और यह नगर पंचायत अजीतमल बाबरपुर में स्वच्छता अभियान के लिए नगर पंचायत ने भारी भरकम उपकरणों की खरीद फरोख्त की है, जिसमें ट्रैक्टर है, लोडर है, जेसीबी है, ठेला गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, लेकिन खरीद फरोख्त की गई। दुर्भाग्य की बात सबसे बड़ी ये है कि करोड़ रुपये की लागत से मशीनरी खरीद तो ली गई है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भूसे के ढेर के नीचे छिपा कर रखी गई है, ताकि किसी को पता ना चल सके कि मशीनरी उपयोग में नहीं है, और ना होने की वजह से ये खराब भी हो चुके हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। नगर पंचायत में आलम यह है कि नगर पंचायत के सामने वाली जो तस्वीरें हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां पर नाले बह रहे हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं होती है। नगर पंचायत बाबरपुर अजीतमल के आसपास देखा जाए तो गंदगी चारों ओर खुलेआम दिखाई दे जाएगी। जब अधिकारियों से इस पूरे मामले पूछने की कोशिश की गई तो कोई भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं था, यानी कि अधिकारियों की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। औरैया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और किस तरह से मशीनरी खरीदी गई, लेकिन किस तरह से पैसों का बंदरबांट किया गया है, ये किससे छिपा नहीं है। खुलेआम आप देख सकते हैं कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी है, नाले बह रहे हैं, नाले के ऊपर कूड़ा बह रहा है, लेकिन साफ सफाई नहीं होती है। साफ सफाई के लिए मशीनें हैं, जेसीबी हैं, लेकिन ये किसी इस्तेमाल की नहीं है, क्योंकि ये जंग खा चुकी हैं। यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई है, पैसों का बंदरबांट कर लिया गया, उसके बाद फिर इसे भूसे के ढेर में छिपा दिया गया है, ताकि जब उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंचे तो नहीं लगे कि यहाँ पर मशीनरी है ही नहीं, तो काम कैसे होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब अधिकारियों से पूछा जा रहा है तो वो बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है, आखिर ये मशीनरी यहाँ पड़ी हुई क्यों है, क्यों ये जंग खा रही है, क्यों भूसे के ढेर में इन्हें रखा गया है। तो औरैया की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बाबरपुर की, जहाँ पर नगर
निगम जो है किस तरह से काम कर रहा है आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई स्वच्छता नहीं है। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत उसको पूरी तरीके से पलीता लगाने की कोशिश यहाँ पर अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। खुलेआम गंदगी है, चारों तरफ गंदगी का अंबार है। अधिकारियों से पूछा जाए तो अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों, जब करोड़ों की लागत से यहाँ पर मशीनें खरीदी गई थी तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है? क्या यहाँ पर पैसों को बांटा गया है या इसके पीछे कोई और राज छिपा हुआ है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे हैं। खरीद फरीद में पैसों का बंदरबांट किया है। औरैया नगर पंचायत अजीतमल बाबरपुर की तस्वीरें। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आशु भदौरिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशु, ये जो पूरा मामला है अगर देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि सफाई व्यवस्था के लिए जो चीजें चाहिए होती है, चाहे वो मशीन हो, जेसीबी हो, कूड़ा उठाने की गाड़ियां हो, ठेला हो, सब कुछ है, लेकिन सफाई फिर भी नहीं है, क्या वजह है? मैम, यहाँ पर ये जो बंदरबांट हुआ है जो पैसे का, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत ये सब खरीदा गया था। तो मैम, यहाँ पर जो कूड़ा, जब हम लोग गए वहाँ पर नगर पंचायत में, तो वहाँ पे भूसा का ढेर लगा हुआ था। तो हम लोगों ने जब वहाँ गए तो वहाँ पे देखे भूसा का हटाया तो देखा उसके नीचे गाड़ियां दबी हुई थी, और एक नहीं सात सात गाड़ियां निकली वहाँ पर। तो जब वहाँ पता किया गया तो ये गाड़ियां क्यों खड़ी हुई है, तो बोला इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। बताइए, ये दुर्भाग्य है मतलब नगर पंचायत का कि चार चार साल से पुरानी खड़ी है, उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। मैम, तो फिर अधिकारियों से आपने बात की, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? मैम, अधिकारी बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अधिकारी कहते हैं अभी हम कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। तो क्या इंतजार हम करते रहे कितने सालों से मशीनरी खराब हो रही है, आने वाले समय में और खराब हो जाए, ताकि जो नए जो चुने गए हैं, चाहे वो पार्षद हो चाहे वो महापौर हो, वो फिर इसका इस्तेमाल ही ना कर सके, सफाई में कोई इस्तेमाल ना हो सके अगले पांच साल? देखिए, आसपास कितनी गंदगी, तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि कूड़े का ढेर लगा है, कूड़े में आग लगा दी जा रही है, पोल्यूशन तो हो ही रहा है, साथ ही साथ कितनी गंभीर बीमारियां यहाँ पर लोगों को हो सकती है, क्या इस बात का अंदाजा नहीं है जरा सा भी? मैम, प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत नगर पंचायत अजीत और बाबरपुर को छोड़ दीजिए, वहाँ की अंदर की टॉयलेट की स्थिति आप देख लीजिए, अंदर वहाँ पे बाथरूम की स्थिति देख लीजिए, वहाँ जो खुर्ची अंदर की जो नालियां हैं इसमें चौक पड़ी हुई हैं, वहाँ अंदर जो पार्क बनाया गया था घूमने के लिए, वहाँ की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पे गंदे गंदे आज जानवर टहल रही है, ये स्थिति है वहाँ पर। बिल्कुल आशु, जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आसपास के जो लोग हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्या लोगों को पता है कि यहाँ पर मशीनरी है, उसके बावजूद भी उनके आसपास इलाके की सफाई नहीं होती है, या फिर ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि हमारे पास तो संसाधन ही नहीं है, संसाधन नहीं है तो फिर हम कैसे साफ सफाई करें? मैडम, वहाँ पर साधन है, संसाधन है, सब कुछ है, मात्र केवल छुपाने की वहाँ पे, अगर छुपाने की अगर नहीं छुपाते तो ये भूसे के ढेर में ये गाड़ियाँ फिर क्यों छुपाती है? ये भूसे के ढेर के नीचे जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये भूसे के ढेर से क्यों निकल रही हैं? और यही भूसा जो है मौके पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर जब आपने तस्वीरें ली और देखा कि यहाँ पर भूसे के ढेर के नीचे गाड़ियाँ छुपाकर रखी हुई हैं, तो वहाँ क्या कोई व्यक्ति मौजूद था? अगर मौजूद था तो उसका क्या कुछ कहना है, क्या आपसे, आपने उनसे सवाल किए? उसने साफ यही कहा मैम, उसने मुझे बाइक दी, वो वहाँ का कर्मचारी है नगर पालिका का, नगर पंचायत का जी। उसने, हमने कहा ये गाड़ी क्यों बंद करके आपने भूसे, बोले इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है इसकी ये गाड़ी नहीं चल रही है। तो फिर उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर गाड़ियां क्यों छुपा के रखी गई है, इसकी मेंटेनेंस कैसे होती है, क्योंकि वो तो पड़ी पड़ी खराब हो चुकी है। तो मैंने यही तो पूछा, बोले ये साफ से आप बात करिए, चेयरमैन साहब से बात करिए। ठीक है, तो आसपास के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आसपास की जनता को तो सब कुछ पता होगा। आसपास के लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर कोई सफाई नहीं होती है, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है, ना सफाई होती है, नालियों की हालत आपको मैंने दिखा दी है आपके के उसके माध्यम से, नालियां बिल्कुल चौक पड़ी हुई हैं। आशु आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी, ये तस्वीरें हम लगातार दिखाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वहां के जो अधिकारी हैं उनसे कि उनके संज्ञान में पूरा मामला है या नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर मशीनरी का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उपयोग नहीं है, बड़ी बड़ी मशीनरी खराब हो चुकी है। देखिए कितनी सारी गाड़ियां हैं यहाँ पर, कूड़ा उठाने की जेसीबी है, इसके अलावा और भी मशीनरी है लेकिन इस्तेमाल नहीं होती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे बात हो सके, ईओ हैं नगर पंचायत के उनसे बात हो सके, इसके अलावा भाजपा नेता हैं उनसे बात हो सके, इसके अलावा जो वहाँ पर
SDM है उनसे बात हो सके। EO है विजय सिंह नगर पंचायत के, उनको हम फोन मिला रहे हैं। उम्मीद है कि फोन उठाएं ताकि हम जानने की कोशिश करें कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। क्या मेरी बात विजय सिंह साहब से हो रही है, EO है नगर पंचायत में? नहीं सर। क्या मेरी बात उनसे हो पाएगी? नहीं, ये गलत नंबर है। अच्छा, नंबर गलत है जी। नंबर तो लेकिन मेरी टीम ने मुझे यही बताया है। कहाँ विजय सिंह, काहे काहे का है? मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ। समस्या है, वो समस्या मैं जानना चाहती हूँ कि इस पर संज्ञान लिया गया है EO साहब द्वारा या नहीं। मुझे EO साहब से बात करनी है। मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ, न्यूज चैनल से। नहीं, यहाँ से कोई नंबर नहीं, गलत नंबर है ये। अच्छा, गलत नंबर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर EO साहब को हमने फोन किया है, लेकिन उधर से ये उत्तर सामने आया है कि ये नंबर जो है वो गलत है। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि एक बार फिर से नंबर को चेक करें और दोबारा से मिलाएं, जानने की कोशिश करें कि आखिर वाकई ये नंबर गलत है या सिर्फ अधिकारी बचने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, तस्वीरें देखिए। गंदगी का अंबार है, नालियां चौक हैं, नालियों में कूड़ा है, कूड़ा उठाने की मशीनें हैं, 10 यहाँ पर मशीनें नजर आ रही हैं, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं होती है। एक बार फिर से हम EO साहब को फोन मिला रहे हैं। EO साहब है विजय सिंह नगर पंचायत। हेलो, क्या मेरी बात विजय सिंह साहब से हो रही है? EO साहब से? हाँ जी। क्या मेरी बात EO साहब से हो रही है? विजय सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? EO साहब, आवाज आ रही है मेरी? चलिए ठीक है, मैं दोबारा फोन मिला देती हूँ। अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, मेरी टीम से मैं कहूंगी कि दोबारा से इनको फोन मिलाया जाए, शायद मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क समस्या हो सकती है, दोबारा से इन्हें फोन मिलाया जाए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी मशीनें जो खरीदी गई हैं करोड़ों रुपए की लागत से, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है, क्यों ये धूल फांक रही है। उम्मीद है कि फोन उठाएं EO साहब। विजय सिंह जी से मेरी बात हो रही है? नहीं सर, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है, लेकिन मेरी टीम लगातार संपर्क साध रही है, लेकिन नंबर तो सही बता रहे हैं। क्या मतलब, क्या काम, क्या है काम? ये है कि एक समस्या है, वो जानने की, जब आप EO साहब नहीं है तो फिर आप समस्या आप क्यों सुनेंगे सर? मेरी EO साहब से बात कराइए ना। काहे की समस्या? आप मेरी EO साहब से बात कराइए। अगर आप EO साहब नहीं है तो मेरी बात EO साहब से कराइए। नहीं, हम ना EO साहब है ना कोई। आपने किस जगह लगाया है? जो BS सिंह किस गांव के हैं ये बताओ। हाँ, औरैया में लगाया है मैंने फोन, बाबरपुर अजीतमल में। नहीं, ये कन्नौज का नंबर है। अच्छा, कन्नौज का नंबर है ये? कन्नौज का नंबर है, अब रंग नंबर है। ठीक है, ठीक है। तो मेरी टीम लगातार बता रही है कि नंबर सही है। एक बार हम फोन मिला रहे हैं तो कहा जा रहा है कि नंबर गलत है, दूसरी बार हम फोन मिला रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हाँ हम EO साहब बोल रहे हैं, तीसरी बार जब हम फोन मिला रहे हैं तो कहा जा रहा है कि नंबर ही गलत है, नंबर है ही नहीं औरैया का, ये नंबर कन्नौज का है। तो आखिर सच क्या है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरें देखिए। ये हालात हैं, अभी निकाय चुनाव हुए हैं तब जाकर ये हालात हैं। आप देखिए, कूड़े के ढेर में आग लगा दी जा रही है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जगह जगह गंदगी है, ना तो सफाई हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि सफाई के लिए कहा जाता है। हेलो, क्या मेरी बात SDM साहब से हो रही है? आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सर, एक समस्या है, ये समस्या है बाबरपुर अजीतमल की, जहाँ पर कुछ मशीनरी है जो कि इस्तेमाल होती है साफ सफाई के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो या कूड़ा भरने की गाड़ी हो, ये भूसे के ढेर के अंदर एक टिन शेड के नीचे छुपा कर रखी हुई है। इनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जंग लगी हुई है। जब हम यहाँ, मेरी टीम यहाँ पहुंची, उन्होंने पूछने की कोशिश की, जो यहाँ कर्मचारी हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं, आप, हमें नहीं पता, आप EO साहब से बात करिए। हम EO साहब को फोन मिला रहे हैं, लेकिन EO साहब कह रहे हैं कि नंबर गलत है। क्या आपके संज्ञान में सर ये मामला है? नहीं, ये आया था संभवतः, ये जो है ये उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ था, ये 2-3 साल पहले का मैटर। अच्छा। है,
जिसमें उन लोगों का जो भी मशीनरी वगैरह जो भी थी वो किसी ठेकेदार के या जो भी सप्लायर की थी उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ था नगर पंचायत से, और उसमें कोई माननीय न्यायालय में किसी माननीय न्यायालय में उसका प्रकरण लंबित है। तो वो एक्चुअली नगर पंचायत की नहीं है, वो जो है किसी सप्लायर की थी और जिसके पेमेंट का इशू माननीय न्यायालय में बिचारा थी। तो नगर पंचायत की सही वाकई पक्की बात है कि ये किसी नगर पंचायत की नहीं है, किसी सप्लायर की ये मशीनें हैं। हाँ हाँ, नगर पंचायत की नहीं है, नगर पंचायत ने कोई पेमेंट नहीं किया है उसका। अच्छा। सप्लायर और नगर पंचायत के बीच का कोई इशू है जो किसी उपभोक्तापुरम या किसी माननीय न्यायालय में। अच्छा, वो प्रकरण लंबित है, हमारे संज्ञान में भी आया था, हमने प्राइम ऑफिस। ठीक है सर, थैंक यू बताने के लिए। लेकिन सवाल ये भी है सर कि ठीक है चलिए ये मशीनें नहीं हो सकती नगर पंचायत की, लेकिन दूसरी तरफ देखिए आप भी यहाँ आते होंगे औरैया में, बाबरपुर में, अजीतमल में, कई बार आप दौरा भी करते होंगे, निरीक्षण भी करते होंगे, इतनी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कूड़ा करकट है, उसमें आग लगा रहे हैं लोग, इसको रोकते क्यों नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है, वो नगर पंचायत जो है रेगुलर दोनों मीटिंग के अलग अलग वार्ड वाइज सफाई नायक सर नगर पंचायत में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लगे रहते हैं और वो दोनों टाइम प्रॉपर साफ सफाई हो रही है, हम लोग भी उसका प्रॉपर विजिट करते हैं, फिर भी कहीं का स्पेसिफिक इशू आएगा तो फिर उसको दिखवाया जाएगा, उसको साफ सफाई पहले से काफी आश्वासन को मैं पक्की बात समझ लूं कि आपने आश्वासन दिया है तो जल्द सफाई होगी यहाँ पर? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी स्पेसिफिक आएगा चेक होगा, फिर से हम एक और थारो चेकिंग करा लेते हैं। ठीक है सर, तो अब मैंने रेगुलर वार्ड वाइज टीमें बनी हुई हैं और रोज करती हैं। मैं आपके संज्ञान में मामला लेकर आई हूँ, आप कब तक मुझे कितने दिन का समय देंगे कि यहाँ पर साफ सफाई जल्द होगी? नहीं नहीं, साफ सफाई रेगुलर होती है, नियमित उसका वो चेकअप होता है। आप चाहे तो कुछ दिन बाद अपना वो अपने जो लोग भी देखे थे वो देखेंगे, निश्चित रूप से उसको बेहतर सुधार। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसडीएम साहब हमारे साथ जुड़े थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो मशीनें हैं वो नगर पंचायत की नहीं है, किसी यहाँ पर जो फैक्ट्री संचालक है या फिर जो निजी कंपनी है कोई, उनकी ये फैक्ट्री है, कुछ लेन देन नहीं हो पाया था पैसे का, जिसकी वजह से ये जो गाड़ियाँ हैं ये सारी मशीनरी वहाँ पर रख दी गई है जो कि अब धूल फाँक रही है। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में पूरा मामला है, अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो जरूर इस पर एक्शन लिया जाएगा। दूसरी तरफ उन्होंने साफ सफाई को लेकर कहा है कि साफ सफाई हो रही है लेकिन कहाँ हो रही है वो दिखाई नहीं दे रही है। मैं चाहूंगी कि मेरे सहयोगी को एक बार फिर से मेरे साथ जोड़ा जाए, आशु भदौरिया को, ताकि उनसे बात हो सके और उनको फिर ग्राउंड जीरो पर हम भेजेंगे, ग्राउंड जीरो पर जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो एसडीएम साहब कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, ये तस्वीरें देखिए। मेरे सहयोगी आशु भदौरिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशु, मेरी अभी एसडीएम साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब कह रहे हैं कि ये जो मशीनरी है वो नगर पंचायत की नहीं है, किसी कंपनी की मशीन है, पेमेंट नहीं हुआ था जिसकी वजह से यहाँ पर ये रखी हुई है और इसी वजह से धूल फाँक रही है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साफ सफाई यहाँ पर रोजाना होती है, आपके जो भी सहयोगी आप ग्राउंड जीरो पर भेजिए और देखिए। तो आप ग्राउंड जीरो पर जाइएगा और पता करने की कोशिश करिएगा कि एसडीएम साहब वाकई क्या सही बोल रहे हैं या कुछ अभी भी छिपा हुआ है। आशु मैम, मैं ग्राउंड जीरो पर गया हूँ, मैंने देखा है, आप देख रहे हैं मशीनरी में सब में लिखा हुआ नगर पंचायत बाबरपुर। उन्होंने कहा है कि मैंने संज्ञान लिया है, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, तो आप एसडीएम साहब के पास जाइएगा, उनसे बात करिएगा कि वाकई आपने जो आश्वासन दिया है लाइव प्रोग्राम में उसमें कितनी सच्चाई है, ग्राउंड जीरो पर हालात कैसे हैं और कार्रवाई होगी तो कब होगी। आशु जी, मैं जाकर, मैं अगर आपने कहा तो मैं जाकर, लेकिन जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई हैं तो साफ आपको दिखाई दे रहा है कि नगर पंचायत बाबरपुर लिखा हुआ है। हाँ। तो वो तो गाड़ी नगर पंचायत बाबरपुर की ही मांगी जाएगी ना। सवाल यही है कि जब साहब कह रहे हैं कि नगर पंचायत से कुछ पेमेंट नहीं हुआ था कंपनी का जिसकी वजह से ये मशीन यहाँ पर खड़ी हुई है, सवाल ये कि पेमेंट क्यों नहीं हुआ जब यहाँ पर पूरी तरह से जो फंड है वो रिलीज किया जाता है, तो वो फंड क्यों नहीं पहुंचा, क्यों नगर पंचायत ने पेमेंट नहीं किया, पैसा कहाँ चला गया? मैम, जब पूरा पेमेंट हो जाता है तभी तो नगर पंचायत अपना नाम लिख सकती है, नगर पंचायत बाबरपुर अपने वाहन या किसी उपकरण के ऊपर। जब पैसा पेमेंट नहीं हुआ, एसडीएम साहब ने कहा कि पेमेंट नहीं हुआ, मान लो तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो उन्होंने अपना नाम कैसे लिख दिया नगर पंचायत बाबरपुर? आप जाइएगा प्लीज, क्योंकि जो मामला है बहुत पेचीदा हो रहा है, आप जाइएगा उनसे बात करने की कोशिश करिएगा कि ये पूरा मामला है, और ईओ साहब से जरूर बात करिएगा, हम ईओ साहब को लगातार फोन मिला रहे हैं, ईओ साहब कह रहे हैं कि नंबर ही गलत है, ईओ साहब झूठ बोल रहे हैं।
हाँ मुझे मैं पिछली बार गया था तो यू साहब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे, यू साहब ने मुझसे बात नहीं की। एक बार वो कहते हैं कि नंबर गलत है, दूसरी बार जब मैं फोन करती हूँ तो कहते हैं कि नंबर, हाँ मैं विजय सिंह बोल रहा हूँ यो। उसके बाद जब फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, दोबारा उनको फोन मिलाया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं मैं ये यो साहब नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कन्नौज से बोल रहा हूँ। अब वो क्या सच बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस तरह से बार बार उनके बयान बदले हैं, शब्द बदले, उससे कहीं ना कहीं शंका पैदा हो रही है। मैम ये जो पिक्चर जो पूरी बनाई गई है, ये बन रही है जो पिक्चर, इसका जो पूरा निर्देशक का जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर ईओ साहब जो है, यहाँ पर विजय कुमार जी ही, यानी ईओ साहब की मिली भगत है और ईओ साहब की मिली भगत से ही ये सारा खेल खेला जा रहा है जी। ये कहा जा सकता है ना, पूर्व चेयरमैन और वर्तमान में जो यहाँ पर विजय सिंह जो ईओ है अचाती अभियंता, उनके नेतृत्व में ही ये पिक्चर बन रही है मैम। और एक चीज और आपको बता दूं, इन्होंने गौशाला को, उन्होंने गौशाला को गौरवशाला बना रखा है, तो जो भूसा यहाँ पर मैम रखा है, जो गाड़ियों को उन्होंने छुपा रखा है, ये भूसा गौशाला के लिए रखा हुआ है। और प्रति हर हफ्ते हर महीने कम से कम एक दर्जन गोवंश मर रहे हैं, जिनको कुत्ते नोच रहे हैं। एक बार मैंने उसका भी वीडियो चलाया था मैंने मैम। बिल्कुल आशु, देखिए अधिकारी जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेंगे ही, अगर गलत है, हम ये नहीं कह रहे कि सभी अधिकारी गलत है या सभी ही कार्रवाई गलत है, बहुत से ऐसे भी अधिकारी हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, जिनकी तारीफ भी जमकर हो रही है, लेकिन कुछ अधिकारी अभी भी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो कि शासन के आदेशों को दरकिनार करके अपनी मनमानी करते हैं, तो उन अधिकारियों के चेहरों पर से नकाब उतारना बेहद जरूरी है और यही हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है। ईओ साहब कह रहे हैं कि नंबर गलत है, ईओ साहब के पास आप जाइए, उनसे बात करिए, पूछने की कोशिश करिए कि सर हम लगातार आपको फोन मिलाते हैं, फोन क्यों नहीं उठाते। सबसे पहले जो जिम्मेदारी है, क्योंकि शासनादेश है कि आपको फोन उठाना ही उठाना है, जब समस्या कोई आएगी तो आप पब्लिक के लिए हैं। इसमें मैम करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और ये विजय सिंह और पूर्व चेयरमैन के नेतृत्व में हुआ है मैम। बिल्कुल आशु, ये दिखाई दे रहा है लेकिन अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम जाएंगे उनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे और आगे शिकायत भी करेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है, किस तरह का ये खेल खेला जा रहा है। चले ठीक है, मान भी लिए कि यहाँ पर जो मशीनरी है वो किसी निजी कंपनी की है, लेकिन गंदगी जो है वो क्यों है, गंदगी तो साफ होनी चाहिए ना। बिल्कुल, ये भी तो सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि आसपास कूड़े के ढेर में आग लगा दी जा रही है, कूड़ा यूं ही फेंक दिया जा रहा है, निकाय चुनाव हुए हैं, अभी लोगों ने चुना है, उसके बावजूद ये हालात हैं। शपथ ग्रहण समारोह जब तक नहीं होगा तो आप काम नहीं करिएगा क्या? 5 साल काम ही नहीं किया होगा तभी तो हालात ऐसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए आशु, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट में लगातार आपसे लेते रहोगे, लेकिन ईओ साहब और एसडीएम साहब के पास जरूर जाइएगा, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है एसडीएम साहब ने मुझे, और ईओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, तो मैं जानने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है, मशीनरी है, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये किसी निजी कंपनी की है, नगर पंचायत की नहीं है। फिलहाल आशु बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पूरा मामला औरैया अजीतमल बाबरपुर का है, जहां पर तस्वीरें कुछ और नजर आ रही है, लेकिन एसडीएम साहब कुछ और बोल रहे हैं, ईओ साहब फोन नहीं उठा रहे हैं, मामला बहुत पेचीदा होता नजर आ रहा है। ये पूरा खेल किसने खेला है, किसने रचा है, इस बात का खुलासा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये जनता के हित में है। फिलहाल तो इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।